हाय 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 हाँ, बस हो गया क्या? कब से हाय हाय लगा रखा है? घुस जा कमरे में, घुस जा। आप किसी भी इमेज का बैकग्राउंड रिमूव करते हो तो अगर आप बैकग्राउंड रिमूव करते हो तो उसके क्वालिटी का लॉस हो जाता है। अगर ऑटो क्वालिटी अगर ऑटो आप फीचर्स का यूज करते हो तो क्वालिटी का लॉस हो जाता है। तो उसका हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन लेकर आए हैं और इस वीडियो को लास्ट तक बने रहो, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग यहाँ पर फैक्ट्स मिलने वाला है। अगर आप थंबनेल क्रिएटर हो, अगर यूट्यूब पर क्रिएटर हो, थंबनेल बनाते हो तो ये आपके लिए वीडियो नेसेसरी, या फिर आप वीडियो फोटोज एडिटिंग भी करते हो तो भी आपके लिए नेसेसरी है। तो सबसे पहले आप जो भी पिक क्लिक किया हो उसको लाइटरूम में थोड़ा सा उसका कलर करेक्शन कर लो और उसको शार्पनिंग वर्पनिंग दे दो। एंड देन आपको क्या करना है देखो, सबसे पहले आपको एडिट करने के बाद बैकग्राउंड रिमूव करने के लिए अगर आप बैकग्राउंड पिकार्ट का यूज़ करते हो तो वो कर देता है, लेकिन उसकी क्वालिटी का बहुत ही लॉस हो जाता है। और अगर आप ऑटो करते हो तो काफ़ी टाइम लग जाता है, या फिर एक बैकग्राउंड। तो मैं आपको आइडिया देने लगा, आप कैसा भी क्लिक किए हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको चले जाना है अपने मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में। और क्रोम ब्राउज़र में जाने के बाद अगर आप इस साइट के बारे में जानते हो और बीजी रिमूव, तो कोई बात नहीं, हम इसी में आपको बताएंगे, लेकिन उसका हम सॉल्यूशन लेकर आएंगे कि आपका क्वालिटी का लॉस नहीं होगा। और मेंबरशिप में इसमें पैसे लगाने के लिए नहीं बोलूँगा। तो रिमूव डॉट बीजी अगर आप गूगल पर सर्च करोगे या फिर रिमूव बैकग्राउंड, तो ये सबसे पहले वेबसाइट आएगा रिमूव डॉट बीजी। देन आपको इमेज को अपलोड करना है, तो जो हमने यहाँ पर एडिट करके रखा है पहले से पिक अपना लाइट रूम में, उसको सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लाइट रूम का जो मैंने खुद से एडिट किया है उस फोटो को मैंने यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, इमेज को सिलेक्ट करके देन अपलोड कर दिया। तो यहाँ पर रिमूविंग बैकग्राउंड यहाँ पर सभी ले रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मनी को यहाँ पर नहीं इन्वेस्ट करना है, आपको फ्री वाला ही डाउनलोड करना है। फ्री कम ही पिक्सल में, फिर भी आपको इसी को डाउनलोड करना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ इसका क्वालिटी आपको कैसे इंप्रूव करना है। अगर आप इसके बारे में साइट के बारे में जानते हो तो फिर भी इस वीडियो को जरूर देख लेना, आपके लिए बहुत ही नेसेसरी है। तो देखो यहाँ पर हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है PNG, एंड देन अपने मोबाइल फ़ोन में आ चुके हैं। तो सबसे पहले अभी दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी इसके लिए, एक ही एप्लीकेशन, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन लाइट रूम यानी दोनों का एप्लीकेशन मैं दे दूंगा, लाइट रूम का भी यहाँ पर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड देन इसका भी। तो इसका नाम है, तो देख सकते हो इसका नाम है फोटो रिसाइजर, पिक्चर रिसाइजर। तो इसको इंस्टॉल करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहीं से डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको इमेज रिसाइजर को इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल फ़ोन में। एंड अभी हमने जिसको डाउनलोड किया है बैकग्राउंड को इरेज करके, इसको सिलेक्ट करना है सबसे पहले। तो देखो अभी ये सिर्फ इतने पिक्सल्स का है और 217 KB यानी ये KB में है। तो अभी देखो इसको हमको कैसे इम्प्रूव करना है, यहाँ पर रिसाइज का बटन आपको दिखेगा तो इस पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर कस्टम परसेंटेज पर एंड 300%। ओके अभी देखो ये इम्प्रूव हो रहा है आपका क्वालिटी एंड पिक्सल्स, देख सकते हो यही हमारा इमेज है। तो देख सकते हो कितना ज़्यादा पिक्सल्स का ये हो चुका है, काफ़ी इंटरेस्टिंग सा ये हो गया है। अभी देख सकते हो इसका पिक्सल्स 1998 यानी 1 MB तक का पिक्चर हो चुका है। और ये पहले था सिर्फ 200 KB का, लेकिन अभी इसका पिक्सल्स के साथ MB जो बढ़ा है वो करीबन यहाँ पर 1.2 MB के करीब यहाँ पर जा चुका है। तो अभी आप इसका पिक्सल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग हो चुका है और आप इसका यूज कहीं पर भी अब कर सकते हो, इसका पिक्सल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। अदर में अगर आप जाओगे एंड फोटो रिसाइजर एंड देन देख सकते हो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा यहाँ पर बैकग्राउंड इरेज हुआ एकदम करेक्टली एंड देख सकते हो पिक्सल्स भी नहीं फटे हैं। तो आप इस प्रकार से इसका यूज कर सकते हो एंड इसका आप डिटेल्स देख सकते हो, 1.09 MB काफ़ी ज़्यादा क्वालिटी का आपको इमेज हो चुका है। तो बस वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो फोटो एडिटिंग वगैरह करते हैं। तो बस, तो गाइस अपने सभी वीडियो में देख लिया, तो इस वीडियो को लाइक करना अगर आपको पसंद आता है तो, वरना आप डिसलाइक भी कर सकते हो। और कमेंट में हमें अगर आपका कोई भी सुझाव, शिकायत या फिर कोई रिलेटेड क्वेश्चन हो तो आप हमसे डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और कोई भी सुझाव कमेंट में दे सकते हो। और आप एक लाइक कर दो तो हमें मोटिवेशन मिलता है, तो लाइक भी कर दो। और यहाँ पर एक वीडियो आ रहा है इसे भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पर भी एक वीडियो आ रहा है इसे भी देख सकते हो। यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन है, क्लिक करके सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल के को और हमारे साथ जुड़े रहो ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का अपडेट सबसे पहले मिल सके। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद, टेक केयर दोस्तों।